120 वाली जो थाली है, चिकन है, अंडा है, हाँ, आप जितना अनलिमिटेड खा सकते हो और वेज भी ले सकते हो। 120 का थाली आपको ऐसे ही मिलेगा, जिसमें पराठा है, चावल है, ये अपना तिलौरी हो गया, इधर हो गया चिकन सलाद, और ये हो गया अपना चटनी है टमाटर का, ये हो गया अपना दाल, तो साइज देख सकते हो। तो वाकई अनलिमिटेड है, चिकन का अनलिमिटेड मिला दोबारा तिबारा मिल। सो हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। और आज मैं आ गया हूँ रायपुर शहर के सिविल लाइन में, और यहाँ मिलता है अनलिमिटेड फूड, बेसिकली अन्ना जी के नाम से फेमस है। मैं इनका जो वेज का वीडियो बनाया था उस समय सिर्फ वेज थाली बना रहे थे, लेकिन अभी सुनने में ये आया कि नॉनवेज भी बना रहे हैं। अब देखो नॉनवेज बना रहे हैं, अनलिमिटेड वो भी है, तो सोचा व्लॉग बना के आप लोगों को अपडेट किया जाए, क्योंकि इनके यहाँ का टेस्ट मैंने पहले भी ट्राई किया है, जैसे कि आप लोगों को बताया कि वेज का वीडियो बनाया था तो बढ़िया लगा था। तो अभी अंडा भी ऐड किए हुए हैं, चिकन भी ऐड किए हुए हैं, देन आई थॉट कि यहाँ चलते हैं और व्लॉग बनाते हैं ना गाइज। तो चलो चलते हैं उनके शॉप पर और बाकी की बातें उन्हीं से करेंगे। ये भाई साहब अपना आ गया डोसा, और ये दोस्तों बताऊँ, जब तक चिकन बन है तब तक यहाँ के जो भैया हैं अन्ना, वो जबरदस्ती मेरे को खिला रहे हैं, बोले नहीं आप नाश्ता करो, वो नाश्ता करो, तब इतना प्यारा इनका बिहेव है ना, आप फिदा हो जाओगे। ये हो गया मिर्ची, ये हो गया अपना चटनी, चटनी क्या है क्या भैया, ये टमाटर की चटनी है, ये हो गया अपना वाइट चटनी, डोसा वाला चटनी, नारियल चटनी बोलते हैं, ये हो गया अपना सांभर, और ये देखो कहीं भी डोसा खाओगे तो आपको ये नहीं मिलेगा, ये अपना मटर का सब्जी। तो मतलब कि डोसे में भी आपको यहाँ सब्जी देखने को मिलेगा, जो कि जो नॉर्मल कस्टमर आते हैं उनको हमेशा ये मिलता है डोसा, और ये अपना सांभर। तो गाइस मैं डोसा ट्राई किया, बहुत ही ज़बरदस्त लगा, मज़ा आया खाकर। अब यहाँ का जो चिकन बनाने का प्रोसेस है लगभग शुरू हो चुका है, तो सबसे पहले आपको चिकन बनाने का प्रोसेस दिखाएंगे, उसका उसको टेस्ट करके और लाइव रिव्यू देने वाले हैं। तो ये गया दही चिकन में, कितने के जी चिकन है भैया, 10 KG? ये 10 KG चिकन। अच्छा, लहसुन का पेस्ट है, अदरक लहसुन का पेस्ट से पीसा गया है। अच्छा, हाथ से इसको पीसते हैं मतलब। हाँ, ओके। का मसाला, अच्छा घरेलू मसाला। अच्छा, चिकन का जो है क्वालिटी चेंज कर पहले। अच्छा, ये अपना लाल मिर्च, धनिया, ये हल्दी, ये चाट मसाला, चाट मसाला, कोई 250 ग्राम। ये का इधर अपना ग्रेवी तैयार हो रहा है, जिसमें गया जीरा, इधर आपको दिखा रहा था मैरिनेशन वाला प्रोसेस चल रहा है, ये गया अपना ग्रेवी, धनिया पाउडर, कश्मीरी, ये चिकन मसाला, मटन मसाला, मटन का मसाला चिकन में, चिकन में मटन का मसाला हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, ये घर का पिसा हुआ गरम मसाला है, ये घर का पिसा हुआ है। अच्छा, स्पेशल हमारी दादी जी के मसाला, यानी कि आपकी दादी जी भी हैं मसाला पीसती हैं, बहुत बढ़िया। तो भाई साहब देखो, पहला ऐसा रेस्टोरेंट होगा जहाँ दादी जी के हाथ का मसाला डाला जा रहा है, मतलब रायपुर में शायद ही कोई ऐसा करता होगा, घरेलू मसाला आता है जाहिर सी बात है। अच्छा, इसको कड़ी पत्ता ही बोलते हैं ना, या प्याज, ये अपना हरा मिर्च, जीरा, काली सरसों, अदरक लहसुन, यही है पुराने लोगों का जो जादू होता है अदरक लहसुन का पेस्ट में। हाँ, सबसे बड़ा जादू यही है, यही है, ज़्यादा भी मसालादार नहीं होना चाहिए, अदरक लहसुन का पेस्ट जो है सबसे इम्पोर्टेंट, अदरक लहसुन जाएगा 10 किलो। तो ये गाइस 10 किलो चिकन मसाले में जा रहे हैं अभी, तो ये चिकन में मटर डालते हैं। हाँ, चिकन में। अच्छा, कम से कम 24 कैरेट का मसाला ही है, शुद्ध मसाला, 24 कैरेट का मसाला, कश्मीरी मिर्च, ये एवरेस्ट का मसाला है, मटन मसाला। अच्छा, जो लोग रेगुलर बेस पे खाते हैं उनको भी अलग अलग मिलेगा, अलग टेस्ट, बदलने से क्या है लोग खाएंगे, लोग खाएंगे मतलब। हल्दी, ये मिल्क है हमारा। अच्छा, नॉर्मल पानी भी नहीं डालते आप, डालते हैं पानी रहता है, ये नॉर्मल पानी और मिल्क जो रहता है मिक्स करके, बॉईल किया हुआ पानी में क्या, थोड़ा दूध को अपन डालते हैं एक पैकेट और उसको बॉईल कर दिए, बॉईल करके रखे रहते हैं। अच्छा भाई साहब, देख के मुँह में अभी से पानी आने लगा है, वेट करते हैं फाइनल जब रिजल्ट आता है बन के, उसके बाद आप लोगों को बताएंगे, और आप लोग यार बताना कमेंट करके कि बनाने का जो प्रोसेस है कितना बढ़िया लगा, अभी तक तो मतलब मज़ा आ रहा है। आप लोग देखो इसका जो कलर है, कलर चेंज होने लगा है ना जी, हाँ। तो गाइज आप लोगों को चिकन बनाने का प्रोसेस में दिखाया, अभी चिकन बनने में 5 मिनट और लगेगा, ग्रेवी डालना बाकी है, तब तक अन्ना जी जस्ट मुश्किल से ही खाली हुए हैं, इनसे कुछ बातें करते हैं। तो सर हमारे चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार अन्ना जी, और कैसे हैं? बस बढ़िया,
तो आपने ये जो स्टार्ट किया हुआ है वेज नॉनवेज का थाली, इसके बारे में बताइए। वेज का तो मैं खाया था, काफी लाजवाब लगा था। नॉनवेज के बारे में कुछ बताइए। नॉनवेज में क्या है ना जी, हमारे यहाँ चिकन है, एग है और मछली है। चिकन, अंडा प्लस मछली। मछली, ओके। मछली की जो थाली है 180 रुपए थाली, अनलिमिटेड। 180 में अनलिमिटेड, अनलिमिटेड जितना खा सकते हैं। तो उसमें जितना मछली मन करे वो भी ले सकता है, ले सकते हैं। उसके साथ चावल जो भी मन करे वो ले सकता है। ओके, अंडा के बारे में? अंडे भी ले सकते हो उसमें, मछली में अंडा भी ले सकते हो। अंडे भी ले सकते हो, मतलब 180 पे कर रहे हो तो मछली खाओ, मछली के साथ अंडा भी ले सकते हो। अरे वाह यार। और अंडा थाली का क्या प्राइस है? अंडा थाली का प्राइस है ना जी 120 रुपए, जो है वो भी अनलिमिटेड है। 120 में भी अनलिमिटेड, अनलिमिटेड है, जितना भी आप ले सकते हो। अच्छा, जो अंडा थाली ले रहा है तो पैकेज है। हाँ, आप जो खाएंगे हर चीज की पैकेज है। आप जैसा वेज भी ले सकते हो उसमें, अच्छा कंप्यूटर है उसमें भी जितना भी ले सकते हो वेज। हाँ, वेस्ट मत कीजिए, 120 रुपए भर पेट खाइए। 120 वाली जो थाली है, चिकन है, अंडा है, आप जितना अनलिमिटेड खा सकते हो, और वेज भी ले सकते हो। अच्छा, और मछली में भी ले सकते हो 180 में, अंडा भी ले सकते हो। मतलब जिसको मछली लेना है कुल में 180 पे जाना होगा, बाकी 120 में चिकन अंडा दोनों कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते। अच्छा, अनलिमिटेड। और नाश्ते में क्या क्या है? नाश्ते में सुबह डोसा है, इडली है, उपमा है, पोहा है। अच्छा, ये भी अनलिमिटेड है क्या? अनलिमिटेड थाली है, जैसा 60 रुपए थाली है आपका, अनलिमिटेड जितना आप खा सकते हो नाश्ता। तो 60 में अनलिमिटेड क्या मिलेगा? 60 में जैसा इडली ले सकते हो। अच्छा, इडली उपमा का प्राइस एक है। अच्छा, ऐसा कि 60 में जितना लिमिटेड खा सकते हो। 60 में अनलिमिटेड उपमा खाओ, अनलिमिटेड उपमा खाओ। अरे वाह, जैसा पैकेज है, उपमा का जो पैकेज है 60 रुपए अनलिमिटेड। डोसा का 100 रुपए पैकेज है। डोसा का 100 रुपए, मतलब 100 रुपए जो पे करेगा वो एक डोसा खाए, दो डोसा खाए, फर्क नहीं पड़ता। फर्क कुछ नहीं है उसमें, वो तीन डोसा खा ले कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, छोड़िए मत उसमें। अच्छा अच्छा, उसमें आपका डोसा के साथ रहेगा ही, सब्जी रहेगा आपका, रायता है, तो जो भी है सब रहता है। ओके, तो गाइज ये था कुछ अन्ना से बातें, और आपको बताया था जैसे मैं यहाँ था, डोसा खाया था यार, डोसा इतना लाजवाब बना था, आपको दिखाया था, सब्जी था, कड़ी चटनी था, प्लस बहुत सारा था, टमाटर का चटनी था, मेरे को याद भी नहीं है, चार था, इतना याद है। सर आपका नंबर चालू है कि नहीं है? ये जो नंबर है चालू है ना? 9 वाली नंबर। अच्छा, टाइमिंग क्या है, टाइमिंग बता दीजिए। सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट रहेगा हमारे यहाँ 7 से लेकर 12 तक। 7 से 12 ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट 12 के बाद लंच, 12 के बाद लंच है। लंच में आपका मछली, अंडा और ये अपना चिकन बनते रहे। वीक में 7 दिन ऑन है, कभी ऑफ भी रहता है? संडे को एक दिन ऑफ। संडे मतलब, ओके ओके, चलिए बहुत बढ़िया। जो जिस हिसाब से सोचे थे उस हिसाब से अपने को कम बजट में। अच्छा, अपने को जो खाना जो अपने को मिला ना, इतना बेहतरीन मिला। ठीक है, तो ये जब थाई लिए थे अनलिमिटेड लिए थे कि लिमिटेड वाला लिए थे? अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। तो वाकई अनलिमिटेड है, चिकन का अनलिमिटेड मिला दोबारा तिबारा मिल। टेस्ट वाइज एकदम बहुत सही, बहुत सही। भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, एक बजे आओगे तो बहुत भीड़ आपको मिलेगी। आपको देखो अन्ना इधर कितना बिजी है, पूरा लाइन से लोग उधर खाने वाले रेडी हैं। तो अपने लग चुका है 120 का थाली, आपको ऐसे ही मिलेगा, जिसमें पराठा है, चावल है, ये अपना तिलौरी हो गया, इधर हो गया चिकन सलाद, और ये हो गया अपना चटनी है टमाटर का, ये हो गया अपना दाल। इसके साथ ही अगर आप कोई भी एडिशनल चीज़ लेना चाहते हो तो 120 में आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अंडा रेडी होगा तो वो भी हम ले सकते हैं, अभी शायद रेडी नहीं हुआ है, उसमें टाइम लगेगा, तब तक अपन इसको ट्राई करते हैं, आपको बताते हैं। देखिए मेथी और आलू की है। अच्छा, सब्जी तो जैसे कि आप लोगों को बताया था फुल अनलिमिटेड है, भैया भी बताए थे अन्ना यहाँ के, आप अगर इसमें 120 पे कर रहे हो चिकन थाली का तो वेज वाला भी आइटम ले सकते हो। चिकन को दिखाऊंगा जो कितना अच्छा है, मेल्ट हो गया है, मतलब पक गया है अच्छे तरीके से, इसका टेक्सचर देख सकते हो। तभी लेते हैं एक बाइट, टेस्ट के मामले में एक नंबर है। चिकन पीस जो मिला है वो उसका साइज दिखा दो आपको, तो साइज देख सकते हो, साइज भी मतलब ठीक ठाक है, और टेस्ट की भाई साहब बात ही बात है। तो गाइस खाना मैं कंप्लीट कर चुका हूँ 120 का। देखो खाना 3 प्रकार का हो सकता है खाते वक्त,
एक होता है कि आप लिमिट में खाओ, भरपेट खाओ, एक होता है कि भरपेट से थोड़ा सा ज़्यादा खाओ, टेस्ट अच्छा लगे तो, और तीसरा होता है कि यहाँ तक खाओ। और मैं भाई यहाँ तक खाया हूँ। क्यों खाया हूँ? मिल ही गया था इतना, दो पराठा मिला था, चावल मिला था, चिकन मिला था, दाल मिला था, सब्जी मिला था, सलाद था, पापड़ की लड्डू था, इसके बाद भी लेने का ऑप्शन था, मैं लिया नहीं भाई साहब, खा के मरूंगा थोड़ी। तो प्लेट आपको दिखा दूँ, क्योंकि छोड़ना यहाँ उचित है नहीं, सब खा लिया हूँ। ये टमाटर का चटनी है, थोड़ा सा खाया, ज़्यादा खाऊंगा तो उल्टी कर दूंगा, इसलिए नहीं खा रहा हूँ। तो ब्लॉग को यहीं रखते हैं यहीं तक। 120 में यार बहुत ज़्यादा खाना है। तो अगर आप लोगों को खाना होते हैं आ सकते हो। लोकेशन है सिविल लाइन में, एड्रेस जो लोकेशन है गूगल मैप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, चेकआउट करना, आप लोगों को मैप का लिंक मिल जाएगा। बाकी मिलूंगा नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तेरे दिन पता नहीं क्या करो, वीडियो को शेयर करो ताकि रायपुर और यहाँ के आएँ और खाएँ। चलो मिलूंगा नेक्स्ट ब्लॉग में, टेक केयर एंड चाइना।